तो गाइस यार इस रिसोर्ट में मजे करने के लिए ले ली हमने खतरनाक सी 150 रुपए की टिकट, इतनी ज्यादा महंगी टिकट हमने ले ली है। इधर पूल में मजे करेंगे और यहाँ पे यार वाटर स्लाइड्स भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पहले अपनी गाड़ी को फटाफट से पार्क पे लगाते हैं, फिर यार बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले। चलो अपन सी मस्त सी गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क पे लगा दिया, लॉक हमने लगा दिया और सामने वाला मस्त सा स्विमिंग पूल और वाटर स्लाइड्स भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले इस वाले रिसोर्ट में। तो कहाँ घूम रहे हो शिनचैन, अब तू यहाँ पे ये कर रहा है? अरे वेकी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। अबे यार शिनचैन, मैं तो यहाँ पे रिसॉर्ट में मजे करना है, 150 रुपए की टिकट ली है मैंने, क्या तूने भी 150 रुपए की टिकट ली है? अरे वेकी मैं, मुझे टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा तो चोरी छुपे घुसा है, आइडिया अच्छा है, अगली बार से मैं भी चोरी छुपे घुसूंगा। अरे वेकी मैं अगली बार से चोरी छुपे घुसे ना तो सारे सारे गार्ड आपको मारेंगे। अबे क्यों मारेंगे? अरे वेकी मैं क्योंकि ये मेरा रिसॉर्ट है, आप मेरे रिसॉर्ट में हो। क्या तेरा रिसॉर्ट है? अरे वेकी मैं सब का सब मेरा है, अगर आप बिना टिकट के आओगे तो आपको ये मारेंगे बहुत ही बुरा वाला, वो भी गन से। अरे नहीं नहीं मैं तो टिकट लेके आऊंगा, पर शिनचैन तेरे पास एक खतरनाक सा रिसॉर्ट कहाँ से आया? अरे वेकी मैं मेरे पास बहुत पैसा है और ये देखो मैंने अभी नई नई गाड़ी भी ली है। क्या नई नई गाड़ी? अरे वेकी मैं देखो दुनिया की सबसे लंबी कार और ये सबसे छोटी कार। क्या ये दुनिया की सबसे लंबी कार है? ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसमें तो बहुत सारे जने बैठ सकते हैं। और यहाँ इसके पास दुनिया की सबसे छोटी कार भी है और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और शिनचैन मुझे चलाने देना। अरे वेकी मैं आपकी शक्ल देखिए, आप नहीं चला सकते। अरे क्यों नहीं चला सकते? अरे वेकी मैं जितने की ये गाड़ी ना उतने में आपका घर गाड़ी सब जाएगा, आपकी गाड़ी तो बहुत ही खटारा है। अबे मेरी गाड़ी बहुत ही अच्छी तो नहीं है पर अच्छी गाड़ी है। अरे वेकी मैं क्या आपने सपने में सोचा इतनी महंगी गाड़ी चलाने का? अबे मैं ऐसी गाड़ी रोज चलाता हूँ। अरे वेकी मैं तो लाके दिखाओ ना। अरे वेकी मैं क्या हो गया, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप मेरे को दुनिया की सबसे छोटी और दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी लाके देखो मेरी तरह। सबसे छोटी और सबसे बड़ी? शिनचैन तू मेरे को जानता नहीं है, मैं हूँ फ्रैंकलिन, मैं दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी गाड़ी लाके दूंगा, वो इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। अरे वेकी मैं इससे बड़ी गाड़ी है ही नहीं लॉस सैंटोस में। अबे लॉस सैंटोस में नहीं ना, मैं दुबई जाके कहीं से मुझे वो गाड़ी मिलेगी मैं वो लेके आऊंगा और तेरे को लाके दिखाऊंगा। अरे वेकी मुझे लाओ ना। हाँ हाँ लाता हूँ लाता हूँ। चलो कहीं से फटाफट शिनचैन के लाते हैं दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी गाड़ी। लाएंगी कहाँ से वो मुझे पता नहीं, बस शिनचैन को चौड़ चौड़ में बोल तो दिया पर कैसे भी करके अब तो लाके दिखाना पड़ेगा, शिनचैन को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने ज्यादा खतरनाक है, कि इतनी छोटी लिमोजी तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं इससे भी बहुत ही खतरनाक बड़ी वाली गाड़ी लेके आने वाला हूँ, आप देख लेना। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया शिनचैन का, फटाफट चलते अपनी इस खतरनाक सी गाड़ी में और ढूंढते दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी, उससे लेते 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 सबसे बड़ी गाड़ी। तो आज तो मैं बहुत सारी गाड़ियां ढूंढने वाला हूँ। गाइस अगर आप चाहते तो मैं ही वाला चैलेंज जीते जो कि मैंने शिनचैन को अभी अभी दिया है, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से खतरनाक खतरनाक गाड़ियां ढूंढना शुरू करते हैं। तो गाइस शिनचैन को चैलेंज तो मैंने दे दिया कि मैं उसको दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कार ला के दिखाऊंगा, पर लाऊंगा कैसे, मेरे पास कौन से पैसे, इसलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गाड़ी चोरी करने। मुझे पता चला यहाँ पर रहता है लॉस सैंटोस का खतरनाक सा बिलियनर, उसके बच्चे के पास है दुनिया की सबसे छोटी कार है, तो उसको हम चुराने आ चुके। उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारना पड़ेगा, पीछे से चलते चुपचाप ये ले। चलो गाइस सिक्योरिटी वाले को तो मार दिया, तो गाइस सिक्योरिटी गार्ड को तो हमने मार दिया, तो हमें उस कार को ढूंढना पड़ेगा, उस बच्चे को भी ढूंढना पड़ेगा, पक्का वो कहीं ना कहीं उस कार से खेल रहा होगा। यहाँ पे चुप जाते उस बच्चे को ढूंढते हैं। ये कार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बच्चे ये कार मैंने स्पेशली तेरे लिए बनवाई है, दुनिया की सबसे छोटी कार सिर्फ तेरे लिए। पापा पापा इसमें घूमने से मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो बच्चे तू आराम से खेल, मैं जाता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, बाय बाय। तो गाइस सर सामने बच्चा मुझे दिख चुका है, रुको रुको उसके पीछे जाने का ट्राई करते, चुपचाप यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। एक काम करता हूँ इस छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ। चलो गाइस सर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, पर एक सेकंड यहाँ पे तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है। अरे यार इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड में से कैसे इस बच्चे की गाड़ी चुराऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको रुको कोई देख ना ले मुझे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक सेकंड वो सामने क्या है? अरे गाइस सर मैंने सोचा था इनके पास सिर्फ एक छोटी कार है, पर इनके पास तो एक और छोटी कार है और ये उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है पर अच्छी है। तो यार मैंने शिनचैन को चैलेंज किया था कि मैं छोटी लाऊंगा फिर उसे थोड़ी बड़ी लाऊंगा फिर उसे थोड़ी और बड़ी लाऊंगा फिर उसे और बड़ी लाके सबसे बड़ी वाली कार लेके आने वाला हूं। तो ये वाली कार तो हमें चुरानी है इस बच्चे से, पर वो वाली गाड़ी भी हमें चुरानी पड़ेगी। रुको एक काम करते हैं, पहले वो वाली गाड़ी चुराते हैं फिर ये वाली चुराएंगे। तो गाइस सर अभी हम इस घर के पीछे वाली साइड पे आ चुके और किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहां पे आ चुका हूं। रुको मेरे पास एक आईडिया है। अरे कितना ज्यादा
इतना कचरा करते हो तुम घर में। इस घर में कचरा साफ करते करते मैं थक चुका हूँ। ए भाई साहब तुम कौन हो? अरे मैं इस घर को साफ करने वाला कचरे वाला। मैंने तुमको कभी यहाँ पे देखा नहीं है। हाँ तो मैंने भी नहीं देखा तुमको। तुम क्या चोर हो? नहीं 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 मैं चोर नहीं हूँ, तुम अपना काम करो। हाँ ओके चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे साफ कर दे। अरे यार कितनी ज्यादा मिट्टी कर रखी है, ये वाली गाड़ी में कितनी ज्यादा मिट्टी है। रुको मैं भी इसको साफ करके लाया, अभी अभी आता हूँ, दो मिनट में आया। निकलो यहाँ से। अरे गाइस एक गाड़ी तो मिल गई, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, कितनी ज्यादा तेज तेज चल रही है। तो गाइस हमें अपनी पहली गाड़ी तो मिल चुकी है और उनको लग रहा है मैं साफ करने लेके आऊँ, पर इनको नहीं पता है मैं तो इसको चुरा के अपने घर लेके जाने वाला हूँ। तो गाइस अभी हमारा पूरा ट्रैप सेट हो चुका है, हमने अरे में बहुत सारी कैंडीज रख दी है वहां तक, बस ये बच्चा देखेगा और ये सीधा भागते भागेगा। चलो उससे जाके छुप जाते, चुपचाप जैसे ही वहां से हिलेगा मैं गाड़ी लेके गायब हो जाऊंगा। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, एक सेकंड यहाँ पे ट्रॉफी किसने रखी? अरे यहाँ पे तो बहुत सारी ट्रॉफी है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है पापा ने मेरे लिए सरप्राइज रखा होगा। चलो 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 इतनी सारी ट्रॉफीज। और गाइस इस बच्चे को हमने पागल बना दिया। चलो 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 फटाफट चलते इस छोटी सी कार में बैठते, चलो जल्दी जल्दी बैठो। और गाइस इस वाली गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी और बहुत ज्यादा तेज चल रही है। रुको हमें यहाँ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, बाय बाय बच्चे। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं यहाँ से बाहर। अरे पानी में नहीं जाना, बच गए। मुझे लगा था मैं सीधा पानी के अंदर जाऊंगा, पर गाइस हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है। तो गाइस हम आ चुके अपनी अगली गाड़ी ढूंढने इस कचरा घर में, इस डंप यार्ड में। इस डंप यार्ड में बहुत बहुत खतरनाक चीज होती है, जैसे कि टैंक। ये देखो हमें कितना ज्यादा खतरनाक टैंक है, पर बहुत ज्यादा पुराना है। ऐसे ही हमें एक खतरनाक सी गाड़ी ढूंढनी है जो कि छोटी हो पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। क्योंकि आपको याद होगा हमने दो गाड़ियां तो ढूंढ ली है, पर हमें और भी थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए, फिर उससे बड़ी चाहिए, फिर उससे बड़ी चाहिए, फिर बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। तो उसके लिए हमें सारी सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, हमको हर जगह जाके देखना पड़ेगा। पहले चलेंगे इधर, यहाँ पर एक गाड़ी है पर उसका पूरा कचरा बन चुका है, ये तो नहीं चलेगी। रुको रुको कोई दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। सामने मुझे गाड़ियां दिख रही है, वैन दिख रही है, पर कोई भी अच्छी नहीं लग रही। ये बस भी है यहाँ पे कितनी ज्यादा बड़ी है, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई अच्छी सी खतरनाक सी गाड़ी। और रुको सर एक सेकंड, ये क्या चीज है? हेडलाइट? नहीं 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 ये तो गाड़ी है। रुको 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 और एक कहे सर ये गाड़ी तो कुछ अलग ही चीज दिख रही है। रुको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, इसको कचरे में किसने डाल दिया? और कहे सर ये गाड़ी को हमने बाहर निकाल लिया, तीन टायर वाली कार, ये तो मैंने पहली बार देखी है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये छोटी भी है, मतलब हम इस गाड़ी को अपने चैलेंज में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे छोटी मिली थी, उससे थोड़ी बड़ी मिली थी और ये उससे थोड़ी सी बड़ी है। ये कितनी ज्यादा मस्त लग रही है और इसका गेट भी पीछे की साइड खुलता है, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। आप देखो इसमें साइलेंसर है, एक टायर पीछे दो टायर आगे, ये गाड़ी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हमें अपनी एक और गाड़ी मिल चुकी है अपने चैलेंज के लिए, तो हमें तीन गाड़ियां मिल चुकी है, एक बहुत छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे और थोड़ी बड़ी। अब हमें इससे और बड़ी चाहिए, चलो उसको फटाफट से ढूंढते हैं। पर ये वाली गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तक आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी फटाफट से बता दो, मुझे तो ये वाली सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो अगली जो गाड़ी हमने चुराई थी वो थी बहुत ही मस्ती ऑरेंज कलर की कार, और वो दो कपल की गाड़ी थी, उनकी अभी अभी शादी हुई थी, हमने उनको बनाया पागल और वो फटाफट से वहां से गाड़ी चुरा ली। वो बहुत ही ज्यादा ईजी था उस गाड़ी को चुराना। तो गाइस अगली गाड़ी हमें मिल चुकी है, पर थोड़ी सी दिक्कत है, वो गाड़ी है पानी के बीचों बीच पड़ी हुई है, उसको मैं निकालूंगा इसे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मैंने सोचा है स्विमिंग करके आराम से मैं पहुंचूंगा और गाड़ी को बाहर निकाल लूंगा, पर एक और दिक्कत है, पानी के अंदर है कुछ खतरनाक खतरनाक जानवर, मछलियां, शार्क, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और अगर मैं इस पानी के अंदर गया तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पर जाना तो पड़ेगा, वो गाड़ी तो मुझे कैसे भी करके चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। 3 2 1 गो। तो गाइस सर पानी के अंदर तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक, भागो भागो भागो। अरे ये क्या है, अरे ये कहाँ से आ रही है, अबे इतनी खतरनाक खतरनाक मछलियाँ, अरे ये तो सामने भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, क्या करूँ क्या करूँ, जल्दी से स्विमिंग करके उस गाड़ी तक पहुंचना पड़ेगा। अरे हमको गाड़ी में बैठाओ, एक काम कर तो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ। अरे ये मछलियाँ तो मेरे पास आ रही है, अरे गाड़ी को पानी में मत गिराओ, अरे क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ, मेरे को डर लग रहा है, भागो भागो, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, गाड़ी जाए तेल लेने, अरे मछली छोड़ दे मेरे को, अरे डॉल्फिन दीदी प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे मत खाओ, अरे बच गया, मुझे लगा था मैं तो मरूंगा, पर गाड़ी तो मुझे मिली नहीं, अरे ये बाहर क्यों आ रही है। अब यार गाड़ी कहाँ से मिलेगी, वो तो पानी के
ये गाड़ी बाहर कैसे आ गई? और एक कैसे पता नहीं गाड़ी बाहर कैसे आ चुकी है, पर कोई बात नहीं, हमको क्या है, हमको तो हमारी गाड़ी मिल गई। तो कैसे गाड़ी हमने सीधी कर दी, फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं। और कैसे आप देख सकते हो ये गाड़ी कितनी ज्यादा लंबी है और मस्त मस्त के टायर भी है। तो हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है, पर अब हम जा रहे हैं खतरनाक सी गाड़ी लेने जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है। हमें अभी लंबी गाड़ी लेने वाले, उसके बाद लेने वाले सबसे बड़ी गाड़ी। सारी की सारी गाड़ियां जो भी लॉस सैंटोस में ना, सबकी सब शिनचैन को दिखाने वाला, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पर हम जाते हैं लंबी गाड़ी चुराते हैं। तो जो अगली गाड़ी हम चुराने वाले वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट की कार है। पर दिक्कत ये है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, हमें सारी सिक्योरिटी को मारना पड़ेगा, फिर उस गाड़ी को चुराना पड़ेगा। फटाफट से चुराते हैं। ये खतरनाक सी गन मैंने इसी मोमेंट की तो खरीदी, जो भी मेरे पे अटैक करेगा सबको मार दूंगा, हट जाओ, ये लो ये लो ये लो, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। बस मुझे ये देखना है कि मैं लिमोजिन को इन्हें फोड़ डालूं, बाकी सारी गाड़ियों को तो फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हट जा। तू कैसे मारम धाड़ी तो चलती रही, इन सबको तो मैं मार दूंगा, पर हमें लिमोजिन मिल चुकी है। एक काम करते, सीधा इसके अंदर बैठते, यहां से निकलते, क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट की कार है तो यार हमेशा बुलेट प्रूफ होती है। रुको रुको, कैसे भी करके इसको बाहर निकलना पड़ेगा। और कैसे बाहर हम निकल चुके, चलो फटाफट से यहां से निकलते, उससे पहले कि बहुत सारे पुलिस वाले मिलिट्री वाले मेरा अचार बनाए, उससे पहले हम इनका अचार बना के खा जाएंगे। फटाफट से निकलते इस गाड़ी को यहां से लेके। तो जो अगली गाड़ी है वो है स्पाइडरमैन की, और इसको चुराने का मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। हेलो हेलो, मेरी तरफ तो कोई देखो। अरे वाह, क्या डांस कर रही हो, मजा आ रहा है, डांस करो डांस करो। तू काइजर, सारे के सारे एवेंजर्स उधर देखने लग गए, लगता है यही टाइम है। फटाफट इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं। अबे चढ़ूंगा कैसे ऊपर, रुको रुको, उधर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चलो फटाफट से इसके अंदर बैठ जाते हैं। चलो काइजर, फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ से लेके निकलते। मैंने सोचा था एवेंजर्स हाउस में से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, पर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, इतनी आसानी से हम यहाँ से निकल चुके। और हमें यार दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी भी मिल चुकी है। अब हमारे पास है सबसे लंबी गाड़ी, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी, उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी, उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी, मतलब सारी की सारी गाड़ी है। और हमने शिनचैन का चैलेंज कंप्लीट कर दिया, चलो शिनचैन के पास चलते हैं। तो गाइस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने कलेक्शन के साथ, बस शिनचैन के आने का वेट है, उसको दिखाते हैं हम क्या चीज है। और गाइस सर, लगता है शिनचैन आ चुका है। एनीवे की मैं आ गया, क्यों बुलाए, मेरा टाइम आपको पता है कितना ज्यादा महंगा होता है। अबे शिनचैन थम जा, चुप हो जा, समझ ले। एनीवे की बोलो क्या बुलाए। शिनचैन तूने मुझे दिया था एक चैलेंज कि मैं यार सबसे छोटी कार, सबसे बड़ी कार, सबसे लंबी कार और बाकी सारी चीजें भी जमा करूं। एनीवे की मैं तो कर ली क्या। और नहीं तो क्या शिनचैन, ये देख हमारी सबसे छोटी कार, एक आरसी कार, उससे थोड़ी बड़ी कार, उससे थोड़ी बड़ी कार जिसमें एक ही सीटर है, बाकी यार तीन ही टायर है, और उससे ज्यादा बड़ी कार, फिर सबसे लंबी कार, और फिर सबसे बड़ी कार। एनीवे की मैं ये किससे चुराई है। चुराई वही नहीं है ब्रो, मेरा यार कलेक्शन है इतना अच्छा। एनीवे की मैं तो बहुत ही खतरनाक है। अबे शिनचैन तू अपने ये छोटी सी लिमोजिन मेरे जो की गोल्ड की है, वो भी गोल्ड का पानी है, असली गोल्ड तो नहीं है। तो गाइस हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, शिनचैन को हमने चैलेंज हरा दिया है। एनीवे की मैं, रुको ना, अबे तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको सबसे अच्छी गाड़ी इनमें से कौन सी लगी। मुझे तो यार सारी की सारी अच्छी लगी, पर हमारी तीन टायर वाली गाड़ी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम इस गाड़ी को इस मॉन्स्टर ट्रक के बीच में से भी निकाल सकते। देखो भाई कितना ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो लगे कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बात। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर जरा फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।